लगता है क्रियांश की एक बहन आने वाली है। क्रियांश की एक पता चल गया। हाँ बिल्कुल, जब घर में दो बेबी होता है तो जो बच्चा होता है, जो आपस में जो सिबलिंग होते हैं वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। सच में जी एक बहुत ही क्या कहे अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 8 और क्रियांश को जो है अभी उठाया गया है, लेकिन अभी भी क्रियांश पूरी तरीके से जगा नहीं है क्योंकि क्रियांश चाह रहा है अभी भी थोड़ा सा सो जाए। और ना एक जरूरी बात बताने वाली हूँ, हमारी एनिवर्सरी आ रही है और इस साल ना हमारा 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ प्लान कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। अगर कुछ नहीं होगा तो घर में भी तो सेलिब्रेट कर ही सकते हैं, लेकिन सेलिब्रेट तो करेंगे घर में ही अपने फैमिली के साथ, या फिर कुछ अच्छा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर फैमिली के साथ देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे हमारा आया हुआ है वट सावित्री का कपड़ा, जो कि थोड़ा लेट आया हुआ है और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद था, हमने सोचा था कि यही पहनूंगी, लेकिन बहुत लेट आया और हमने इसी चक्कर में एक और साड़ी मंगवा लिए थे, उसी का ब्लाउज सिलवा लिया हमने, नहीं तो मुझे यही पहनना था। और ये साड़ी ना बहुत अच्छा है, ये देखिए, ये मुझे भी पसंद है। अब देखते हैं, बहू को पसंद है उसके आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए वही पहनेंगे। बहुत सुंदर है, ये मुझे भी पहनने का मन हो रहा है। अच्छा, तो आप भी पहन लीजिएगा। अब ये पहन लेगी तो उसके बाद हम चुपचाप लेके चले जाएंगे, लेकिन इसका ब्लाउज हमें प्लेन बनाना पड़ेगा कि सेट के लिए बना लेगी। आप सही बात, सही बात। चलिए ठीक है, तो हम भी पहन लेंगे, ये भी पहन लेगी, ऐसे काम चल जाएगा, काम चलता रहेगा। और ये साड़ी जान मम्मी बहुत कम दाम का है, मुझे लगता है 1400 या 1500 की साड़ी है। नहीं, साड़ी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वही चला है पुराना सब, सेम साड़ी हमने एक येलो कलर का मंगवाया था। हम ये सब साड़ी पहन चुके हैं और इसलिए अब हम पहनेंगे, बहू पहनेगी ये साड़ी की, वही और एक साड़ी है। अब आइए देखिए ये साड़ी की कलर, ये कलर तुमको बहुत पसंद है, ये देखिए तो वह वाला, हां ना अलग है वो, मैं झलक वह मिलेगा, हां अलग से मिलेगा, कपड़ों का अच्छी है, कपड़ा भी वही है। हां आपका यहां पे पतिदेव ने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है, यहां पे हाथ दे रहे हैं बंद करने के, ये आ गया है हमारा पिज्जा, आ गया हमारा और बारिश हो रही है बहुत तगड़ी वाली, तो गए पिज्जा लेने के लिए। तो यहाँ पे आया क्रियांश के लिए भी आया है, और यहाँ पे आ गया है पिज्जा मम्मी, देखे खुश हो गया क्रियांश, और यहाँ पे मम्मी भी खा रही है पिज्जा, इधर है हमारा पिज्जा, चलिए चलो चलो जल्दी चलो। फैन ऑन कर दे मम्मी, माँ आपका आ गया है, आपका भी आया है, हाँ प्लेन आया है इसका, क्रियांश के लिए प्लेन आया है, खाई खाई, ये देखो ये क्रियांश के लिए आया है, क्रियांश के लिए आया ये वाला पिज्जा खाया है, अभी लड्डू रहा था, अरे बाप रे मामा मामा, मैं कह रहा था पराठा दे कह दिया, नानी पराठा कर दे तू खा। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी साड़ी मैंने पहनी हुई, और दीदी भी आ जाई है बहुत दिनों के बाद, दीदी बहुत दिनों के बाद आए आप, तो इन दीदी को जिन्होंने हमारा पूरा पहले वाला ब्लॉग देखा है ना, उनको पता होगा दीदी हमेशा हमारे यहाँ आती थी, अभी भी जब भी मैं बुलाती हूँ तो आ ही जाती हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा रूम को अरेंज करिए दीदी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है तो मैं इनको बुला लेती हूँ और आके हेल्प कर देती हूँ। अभी क्रियांश है घर में और भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊँ, इनकी ज़रूरत होती है तो एक बार कॉल करती हूँ आ जाती है। बाकी दीदी इधर क्या 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 कर रही हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, क्या चीज़ साड़ी का ब्लाउज है इसका, साड़ी साड़ी रखा हुआ है, वो सिलने दिए थे ना इस वजह से टेलर को। बाकी ये साड़ी मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, वट सावित्री के लिए मैंने मंगवाया हुआ है, तो अभी मैं पहन करके सोची वीडियो बना लेती हूँ, फिर उस दिन टाइम मिले या ना मिले। और पतिदेव को तो मेरे बेटे के बर्थडे का चॉकलेट इतना सारा रखा रहता है, बस ये खाते रहते हैं, बिल्कुल चॉकलेट जो है खराब हो जाएगा, इसलिए चॉकलेट कभी खराब होता है क्या, कमेंट में बताइएगा, चॉकलेट खराब होता है कभी, बिल्कुल खराब होता है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि खराब होता है वो, नहीं होता है। फ्रिज में वो भी रखा हुआ है, ये बस मतलब इनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा सारा वीडियो शूट वगैरह हो गया, ये मैंने चूड़ा पहना है बहुत दिनों के बाद, ये बहुत पहले हमने ये चूड़ा मंगवाया हुआ था, ये देख सकते हैं शादी की फ़ोटो है इसमें, फिर एक चॉकलेट लेके गए। तो सारा वीडियो वगैरह शूट हो गया, अब चलते हैं जल्दी से चेंज कर लेते हैं, क्रियांश भी अभी तक सोया हुआ है। और हाँ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, हमारे इंस्टाग्राम पे 6 लाख की फैमिली कंप्लीट हो गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी चीज़ में ना पतिदेव किया मैंने मेहनत और ये चॉकलेट खाए जा रहे हैं, में मिठाई खा रहे हैं, ठीक है, आपको मुझे खिलाना चाहिए, आप लोग जो है एक एक करके जो है मोमेंट देते रहिए, हम चॉकलेट खाते रहिए। वाह 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 वाह।
दीजिए, मुड़िए मुड़िए, वाह 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 थैंक यू क्रियांश, वाह 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 ना नहीं चाह रहा था क्या? ये देखो सोना नहीं चाहता है, सोता है तो उठना नहीं चाहता। गुड मॉर्निंग राधे 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 राधे, बोलो मेरा गुड मॉर्निंग हो गया। आप लोग का गुड मॉर्निंग कब होता है? पूछो आप लोग का गुड मॉर्निंग कब होता है? जय करो जय, जय करो जय, जय करो जय, बोलो। वाओ जय का मतलब क्या होता है ना, बस आप पूजा रूम के गेट को टच कर लेना और अपने सर में टच कर लेना, बस इतना ही जय होता है कि आज का। लेकिन ये नींद में भी रहेगा तो इतना कर लेगा। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पापा को दूंगी तू कल लाए। क्रियांश का चालू है, भूख लगा है, बोल दो सीधा। मारता भी है और रोना भी नहीं है मम्मा को, मम्मा रो भी नहीं सकती है। और सब कोई उसकी मम्मा रोती है तो मनाता है और क्रियांश और मारता है। क्रियांश अपने पापा को ढूंढ रहा है। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और क्रियांश जो है सो गया। और ये जो हमने साड़ी पहना ना, ये कोई ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। ये हमारी शादी की साड़ी है, जब शादी में हमारी मौसी जी दी थी ये वाली साड़ी, तो ये हमने ऑनलाइन परचेस नहीं किया। तो चलते हैं वीडियो शूट करते हैं। और हमारा भाई भी आ गया है इधर, बहुत सारा लीची लेके दिखाती हूँ मैं आपको। देख सकते हैं इसमें पूरा भरा हुआ लीची है जो कि हमारा भाई लेके आया फर्स्ट टाइम अकेले। फर्स्ट टाइम ये अकेले यहाँ पे आया, मुझे तो इतना डर लग रहा था कि कैसे आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जल्दी से वीडियो शूट करके कंप्लीट करते हैं, नहीं तो क्रियांश फिर उठ जाएगा। तो अभी अभी हम आए हुए हैं जी बाहर से, और बाहर जो है अरेंजमेंट देख रहे थे। जी हाँ, अरेंजमेंट देख रहे हैं अपनी एनिवर्सरी का। तो हमारी एनिवर्सरी आने वाली है इसी 21 जून को, तो उसी जून को लेकर के हम लोग अपना अरेंजमेंट देख रहे हैं। और हम गए हुए थे बाहर के शहर, और क्रियांश वहाँ से जो है देख रहे हैं उठ गया है। जैसे ही आए तो देखिए क्रियांश उठा हुआ है तो आ गया पापा के गोद में, और पापा गोद में आकर के खेल रहा है। ये देखिए इसको जाना रहता है तब यहाँ से उछल के, पीछे का सोचता है एसी को टच कर ले। हम देख रहे हैं वही कर रहा है सारा, एसी टच करना है तुमको। तो जिया भी आ गई जी अपना काम धाम करके, और बाकी देख रहे थे आप लोग का कमेंट देख रहे थे। तो आप लोग का कमेंट आ रहा था कि भैया आपका कोई सेकेंड बेबी आ रहा है क्या, और कुछ लोग का यहाँ भी कमेंट देख रहे थे कि लगता है क्रियांश की एक बहन आने वाली है। अच्छा, तो क्रियांश की एक बिल्कुल। तो और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि अच्छा बात होता है कि जब घर में दो बेबी होता है तो जो बच्चा होता है, जो आपस में जो सिबलिंग होते हैं वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, इस बात से हम एग्री करते हैं। हमें ध्यान है कि कुछ बात जो अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाते थे, अपने भाई भाई में बातचीत हो जाती थी। हालांकि उसमें जो है धमकी सब भी रहता था कि तुम यहाँ ये बात मेरा बोल दिया तो तुम्हारा वो बात हम बोल देंगे। हाँ, तो कुछ ऐसा ऐसा सब सब कुछ चल रहा होता था। तो सच में जी एक बहुत ही क्या कहे अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बाकी अभी की क्या रियलिटी है कि कोई ऐसा प्लानिंग है कि नहीं, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है अभी फिलहाल, कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। जब भी एक ही बच्चे से परेशान है भी बहुत, हाँ बहुत नटखट हो चुका बिल्कुल है जी बेटा। तो पहली एक बार ये बड़ा हो जाए, कम से कम 4-5 साल का हो जाए और अपना स्कूल जाने लग जाए, तब देखा जाएगा क्या होता है नहीं होता। बाकी भगवान के हाथ में, अगर ऋतु को होगा फिर हम दूसरा सोचेंगे, देखते हैं जी। तो और बाकी देखिए जैसा होता है, अच्छे से सब कुछ पढ़ाई लिखाई कम्प्लीट हो जाए फिर उसको एक हो जाए फिर हम सोचेंगे। देखिए बिल्कुल जी, तो उसको एक भाई या बहन मिल ही जाएगी, फिर देखेंगे साथ में अगर वो लोग आपस में खेल रहे तब हम अपना सोचेंगे, नहीं तो हो ही जाएंगे एक बच्चे को मतलब एक क्रियांश एक वो हो जाएगा। बिल्कुल जी, तो उम्मीद करते हैं जी घर में से ही खुशहाली बने रहे, और जैसे आप लोग क्रियांश को प्यार देते आ रहे हैं वैसे ही प्यार देते रहे, और आगे भी जो भी आए उसको भी आप लोग इतना ही प्यार देंगे। तो इसके साथ जो है इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करेंगे अभी हम लीची खोल के आपको दिखाएंगे। अच्छा लीची भी।